हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट पोएम ऑफ द फाइनल कोर्स द वॉइस ऑफ द रेन। कम टू द पोएम, लेट्स बिगिन। द पोएम द वॉइस ऑफ रेन बाय वॉल्ट विटमैन सिग्निफाइज द इटर्नल रोल ऑफ द रेन। अब ये पोएम जो है आपकी किसके बारे में है, रेन का रोल दिखाया है, यानी रेन जो है बारिश क्या एक्सप्लेन करती है, क्या बताती है अपने बारे में। प्लेज इन द नर्चरिंग क्विंचिंग एंड प्यूरिफाइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ द अर्थ, यानी क्या का वर्क करती है रेन। आपको भी पता है बारिश का क्या काम होता है, बहुत सी यानी गंदी चीज़ों को, गंदगी को साफ करना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ वगैरह होते हैं या फिर जिन्हें पानी देने वाला, जंगल के पेड़ों को कौन पानी देता है, कोई भी नहीं। कहाँ से लगता है, जब बारिश होती है तभी उनमें पानी लगता है, और जहाँ पर ड्रॉट सूखा होती है वहाँ पर भी उससे फ़ायदा होता है रेन से, बारिश पड़ती है तो थोड़े बहुत जो कि हम जो बीज वगैरह बहुत से होते हैं जिन्हें हम नहीं डालते हैं वो वैसे ही अपने आप ओरिजिनल हवा में किसी के थ्रू आ जाते हैं, वो अपने आप घास वगैरह अपने आप आ जाती है। तो ये सारे वर्क करता कौन है, किसकी वजह से होते हैं, रेन की वजह से, बारिश की जो अपने रोल प्ले करती है, यानी क्या क्या बेनिफिट होते हैं एक तरह से वो इस पोएम में रेन ने एक्सप्लेन किया है। ओके, तो कम टू द स्टेंजा। एंड हु आर्ट यू, इट मीन्स पोएट आस्क, यहाँ पर जो पोएट हैं वो पूछते हैं। एंड हु आर्ट यू, आर्ट मीन्स हियर आर पोएटिक लैंग्वेज, यहाँ पर पूछते हैं कि तुम कौन हो। सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग सावर, जो पोएट हैं वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, जो हल्की हल्की बारिश जो होती है उससे पूछते हैं पोएट कि तुम कौन हो, बारिश से पूछते हैं। विच स्ट्रेन टू टेल गिव मी आंसर, सबसे अजीब बात क्या होती है कि उसको पोएट को रिप्लाई मिलता है, आंसर मिलता है। कौन आंसर देता है, बारिश देती है, रेन। एज हियर ट्रांसलेटेड, जब वो क्या ट्रांसलेट किया बारिश ने अपने बारे में, क्या बताया रेन ने, वो इस स्टेंजा में एक्सप्लेन किया है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, क्या बताती है बारिश, क्या रिप्लाई देती है कि मैं अर्थ की यानी इस धरती की पोएम हूँ, एक गीत हूँ, एक पोएम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की जो आवाज़ आती है उसने कहा कि मैं एक इस अर्थ का क्या हूँ, सॉन्ग हूँ, गीत हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पलपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं कहाँ से आती हूँ, यानी परमानेंटली मेरा आना यानी ओरिजिन मेरा होता कहाँ से। इम्पाप्रेव यानी मैं अर्थ की जमीन से यानी अर्थ से आती हूँ, और बॉटमलेस सी यानी समुद्र की गहराई से और ज़मीन से मेरा बर्थ होता है, अराइज होता है, निकलती हूँ मैं, और कहाँ जाती हूँ, अपवर्ड टू हेवन, और समुद्र यानी हेवन तक, स्वर्ग तक जाती हूँ, ऊपर तक, अपवर्ड ऊपर की तरफ, बारिश मेरा बर्थ होता है ज़मीन से, अर्थ से और समुद्र से, और जाती कहाँ हूँ, हेवन तक, बहुत ऊंची स्काई तक पहुँचती हूँ। वेंस बल्कली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज एंड यट द सेम, यहाँ तक कि मेरे फॉर्म में यानी मेरा जो शक्ल है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ, यानी पानी से ही बनती हूँ मैं, अर्थ से निकलता है पानी, समुद्र में पहुँचता है, वहाँ से मैं स्टीम बन के पहुँचती हूँ, फिर से बारिश बन जाती हूँ, यानी फिर से पानी बन जाती हूँ। वो अपना बताती है बारिश कि मैं कैसे बनती हूँ, मेरा ओरिजिन कैसे होता है। आई डिसेंड टू ले द रोड्स, मैं क्या क्या वर्क करती हूँ, क्या करती हूँ मैं, ड्रॉट को टू लेव मीन्स टू वॉश, धोती हूँ यानी सूखा जो पड़ता है, जहाँ पर ड्रॉट पड़ता है, सूखा क्या होता है पता ही है आपको, ड्रॉट जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ मैं क्या करती हूँ, वॉश यानी उसको धोती हूँ, यानी वहाँ पर पानी देती हूँ। ऑटोमाइज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लो, धरती पर से जो मिट्टी की धूल की जो ऑटम्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाते हैं उन्हें मैं वॉश कर देती हूँ, उन्हें मैं हटाती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिन्हें कोई पानी नहीं लगाता, वो सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड होते हैं, यानी बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जब बारिश आएगी तभी हम उगेंगे, उससे पहले हमें पानी कोई नहीं देता जिससे हम नहीं ग्रो कर सकते हैं। लेटेंट अनबॉर्न, जो यानी उग नहीं पाते बिना बारिश के, जो कि ग्रो नहीं कर पाते, जो नहीं उगते हैं, उन्हें सिर्फ मैं ही उनको बीजों को मेरी वजह से ही वो प्लांट या फिर ट्री बन पाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और मैं हमेशा दिन रात क्या करती हूँ,
बारिश यानी एक्सप्लेन कर रही है, लाइफ टू माई ओन ओरिजन यानी मैं अपने आप को दिन रात जो है बैक लाइफ टू, यानी अपनी जो रियल मेरी लाइफ है उसी में वापस आ जाती दिन रात के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद। बारिश पड़ने के बाद जाती कहाँ है? पानी हमेशा नालियों में और जो भी मिट्टी के अंदर ही वापस चला जाता है। यानी बर्थ कहाँ से हुआ उसका? मिट्टी के और समुद्र के अंदर से, और घूम घाम के स्वर्ग में बहुत ऊपर जाके सबको पानी वानी दे के जो भी है ड्रॉट को ख़त्म करके वापस गया कहाँ पानी? ओरिजन मेरा वहीं पर बैक लाइफ हुई जहाँ से वो पैदा हुई थी। बारिश जहाँ से पैदा हुई वहीं पर ख़त्म हो जाती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई, और क्या करती है? प्योर करती है और ब्यूटी और सुंदर हो जाती है। बहुत सी चीज़ों को लिए वो इम्पोर्टेंट होती है और अपना अपनी शक्ल बदल के चेंज होकर फिर से पानी ही बन जाती है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी इस गाने का क्या, जो गाना कहीं से पैदा होता है लास्ट में वो अपने ही बर्थ प्लेस पर जहाँ से पैदा हुआ आफ्टर फुलफिलमेंट दुनिया में, यानी गाना गाए जाने के बाद इधर उधर घूमने के बाद, रैग्ड और अनरैग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लास्ट में आके कोई सुने या ना सुने वो गाना कहाँ पर, वहीं पर एंड होता है जहाँ से वो पैदा होता है, जहाँ से वो ओरिजिनेट यानी जो जहाँ पर जन्म होता है गाना, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आई हैव कम्प्लीटेड दिस पोएम, आई विल प्रोवाइड यू वर्क ऑफ दिस पोएम थ्रू PDF। ओके।